तो गाइज अगर आप लोग भी अपने VN एप्लीकेशन के अंदर आईफोन इफेक्ट ऐड कर रहे हैं एंड वहां पर आप लोगों को अनसपोर्टेड बता रहा है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो गाइज अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई आज की इस वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ चुका है। हाँ जी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गाइज आप लोग अपनी VN एप्लीकेशन के अंदर आईफोन इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहना, पूरा वीडियो को देख लेना यार, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करोगे तो आप लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फाइनली गाइस हम अपने VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिंपल स्टेप से बताऊंगा कि गाइस आप लोग भी अपनी VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर आईफोन इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। बिकॉज यार काफ़ी ज़्यादा बंदों को प्रॉब्लम आ रहा है कि हमसे ये ऐड नहीं हो पा रहा है, हमको ये अनसपोर्ट बता रहा है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देखते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को कोई भी अपनी वीडियो को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अभी के टाइम पर यहाँ पर कोई भी एक वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि देखते हो कि इसके अंदर आप लोग आईफोन इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, आपको अपनी वीडियो की लेयर पर टैप करना होगा एंड फिल्टर में जाना होगा एंड फिल्टर में जाने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक आप लोगों को प्लस का दिख रहा होगा एंड उसके नीचे साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा ऐड, तो आपको प्लस पर टैप करना होगा, ठीक है। प्लस पर टैप करने के बाद अब ओके पर टैप करना होगा एंड ओके पर टैप करेंगे तो जैसे ही आप ओके पर टैप करेंगे अब देख सकते हो जो यहाँ पर आपका कुछ स्टेप से ये ओपन हो जाएगा, जो भी आप लोगों ने डाउनलोड वगैरह कर रखे होंगे यहाँ पर ये पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएंगे। अब आप लोगों को रिसेंट में जाना होगा, ठीक है। अब रिसेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखते हो यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा आईफोन न्यू फिल्टर, ठीक है। और गाइज अगर आपने ये डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, तो आपको इस पर टैप करना होगा। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे ये देखते हो ये कुछ स्टेप से यहाँ पर हो जाएगा, न्यू फोल्डर पर आपको टैप करना होगा एंड देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये देखते हो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको आना होगा विविड में एंड विविड में आने के बाद देखते हो ये यहाँ पर आ चुका है हमारा फिल्टर, ठीक है गाइज। ये देखते हैं हमारा यहाँ पर ये फिल्टर आ चुका है, देख सकते हो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ स्टेप से भी आप लोग अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पर फिल्टर को ऐड करेंगे, इस मतलब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप लोग कुछ स्टेप से भी ऐड कर सकते हैं एंड अगर आप लोगों से ऐसे नहीं फिल्टर ऐड नहीं हो पा रहा है तो मैं सेकंड तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को अपनी फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे आप फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे आप लोगों के सामने कुछ स्टेप्स यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा एंड ओपन होने के बाद अब आप लोगों को डाउनलोड्स में जाना होगा एंड डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आप लोगों ने डाउनलोड वगैरह यहाँ पर किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आईफोन न्यू फिल्टर, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा जैसे आप डायरेक्टली डाउनलोड वगैरह करेंगे एंड यहां पर आपको मोर पर टैप करना होगा, ठीक है। मोर पर टैप करने के बाद यहां पर दिख रहा होगा आपको इंपोर्ट टू VN, तो जैसे ही आप इंपोर्ट टू VN पर टैप करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहां पर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। देख सकते हैं ये थोड़ा सा वेट ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर ले। आप लोग कुछ स्टेप से भी अपनी वीडियो के अंदर आईफोन इफेक्ट ऐड कर सकते हो, VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में कुछ स्टेप से भी आप लोग इफेक्ट वगैरह को ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को कैसे कैसे ऐड करना होगा एंड उसको कैसे आप लोगों को अच्छा सा एडजस्ट करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको अपने वीडियो पर टैप करना होगा, फिल्टर में जाना होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक मतलब आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा विविड में, ठीक है। यहाँ पर ये वो आपको आईफोन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेप से आ जाएगा ये, आप लोगों को ज़्यादातर आईफोन इफेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे, तो जो भी आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है वो आप लोग अपने हिसाब से अपनी वीडियो के हिसाब से आप लोग को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इनको अपने हिसाब से इसको अच्छे से एडजस्ट वगैरह आप लोगों को अपने हिसाब से करना होगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद साइड में आपको एडजस्ट वाले आइकन पर टैप करना होगा एंड इसके एक्सपोजर को आपको थोड़ा बढ़ा देना होगा एंड इसके कॉन्ट्रास्ट वगैरह को भी आपको थोड़ा बढ़ा देना होगा एंड इसके ब्राइटनेस को भी आपको अपने थोड़ा सा हिसाब से आप लोगों को इसको बढ़ा देना होगा एंड सैचुरेशन को भी आप लोग कुछ स्टेप से बढ़ा सकते हैं। मैं अब आप लोगों को ये वीडियो एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो ये कुछ स्टेप से यहाँ पर आईफोन हल्का हल्का यहाँ पर देख सकते हो ये आईफोन के जैसा वीडियो लग रहा है। तो इस टाइप से अगर आप लोग इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो आप लोगों का वीडियो यहाँ पर बिल्कुल आईफोन के जैसा ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में ब्लैक कलर का एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर टैप करना होगा
एंड इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको इस पर टैप करना होगा एंड ओके पर टैप कर लेना होगा, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।